फ्रेंड्स यहाँ पे जो फोटो एडिटिंग में यहाँ पे मेरा सबसे बोरिंग और टाइम टेकिंग जो प्रोसीजर होता है वो होता है मॉडल का बैकग्राउंड इरेज करना। तो फ्रेंड्स जब जब हम फोटो एडिटिंग करते हैं तो फ्रेंड्स जो हमारा बैकग्राउंड जब हम इरेज करते हैं मॉडल का, तो फ्रेंड्स उसमें जो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है और फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा जो हमारा एफर्ट यहाँ पे लगता है। बट फ्रेंड्स कई बार जब इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद भी एक बहुत ही अच्छा सा आउटपुट नहीं ले पाते, क्योंकि फ्रेंड्स जब जब मॉडल का बैकग्राउंड यहाँ पे इरेज करते हैं तो कई बार यहाँ पे बाल जो अच्छे से इरेज नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप जो है अपनी फोटो में से बालों को किस तरीके से अच्छे से इरेज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स आज जो मैं एक न्यू इंट्रो लेके आया हूँ, तो फ्रेंड्स मेरे को ज़रूर बताएं कि इंट्रो आपको कैसा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स इंट्रो यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये था फ्रेंड्स हमारा नया वाला इंट्रो जो अभी आपने देखा। और फ्रेंड्स ये है एक इमेज जिसका फ्रेंड्स मैं आपको जो है अच्छे से बैकग्राउंड इरेज करके दिखाऊंगा, और उसके साथ मैं आपको फ्रेंड्स ये बताऊंगा कि आप जो इसके हेयर्स परफेक्टली किस तरीके से इरेज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रेंड्स सबसे पहले जो हम इस इमेज को सेंड या फिर शेयर क्लिक कर देते हैं, और फ्रेंड्स इसे हम ओपन करते हैं कट मेक स्टूडियो एप्लीकेशन में। अगर आपने इस एप्लीकेशन जो अभी तक इंस्टॉल या डाउनलोड नहीं करा तो फ्रेंड्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जल्दी से उसे जाके जो डाउनलोड यहाँ पे कर ले। सिंपली हम जो इसे यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स जब फ्रेंड्स आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करेंगे और फ्रेंड्स इसमें आप अपनी इमेज को ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स आपको कुछ यहाँ पे टूल्स वगैरह देखने को मिलते हैं बेसिक से। नीचे में आप देख सकते हैं आपको कुछ 5-7 टूल देखने को मिल जाते हैं, ऑटो कट, मैनुअल कट, शेप कट, सारे बैकग्राउंड इरेज में काम आते हैं। बट फ्रेंड्स इससे जो आप जो अच्छे से यहाँ पे हेयर इरेज कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे हेयर को अच्छे से इरेज करने का सबसे पहले जो हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम इसके बैकग्राउंड को इरेज कर लेते हैं, फिर फ्रेंड्स लास्ट में जब अच्छे से हेयर को इरेज करेंगे ताकि हमें जो अच्छे से यहाँ पे पता लग जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए मैं बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे टूल यूज करने वाला हूँ जो कि यहाँ पे ऑटो कट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको एक प्लेस से स्टार्ट करना है। यहाँ से मान के चलो कि आपको यहाँ से बाउंड्री बना देनी है, यहाँ पे मॉडल की एक बाउंड्री सिंपली से यहाँ पे बना देनी है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपको बस कुछ इस तरीके से यहाँ पे जिसकी एक बाउंड्री बनानी है मॉडल की, और फ्रेंड्स देख सकते हैं आपकी मैं एकदम मॉडल के एकदम साइड साइड से यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, बहुत ही आसान था। बट फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बाउंड्री को यहाँ पे मिलाना भी, जहाँ से आपने स्टार्ट किया आपको वहाँ पे जैसे एंड भी यहाँ पे कर देना है ताकि बाउंड्री कंप्लीट सी हो जाए। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कई हद तक जो हमारा जो बैकग्राउंड था वो जो है डिलीट हो चुका है, मॉडल एक्सट्रैक्ट हो चुका है। फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे एरिया बचता है, तो फ्रेंड्स वो एरिया हम किस तरीके से साफ कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आप सिंपली यहाँ पे जो यहाँ पे कट वगैरह के ऑप्शन से जो आप यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ऑटो माइनस आपको एक देखने को मिल रहा होगा, ऑटो माइनस सिंपली आप जो इससे जो क्या होगा जो कि मतलब कि सेम कलर्स होंगे आपके बैकग्राउंड में, आप जो सिर्फ आपको जो सिर्फ उस पर टैप कर देना। आप देख सकते हैं काफी हद तक यहाँ पे इरेज जो हो जा रहा अपने आप बैकग्राउंड, ये गलत हो गया। तो फ्रेंड्स यहां से हमने इरेज कर दिया। अब जो हम यहाँ पे देखते हैं ऊपर में थोड़ा सा सेम कलर, तो फ्रेंड्स हम जो है ऑटो माइनस यहाँ पे यूज करेंगे। और फ्रेंड्स इतना इरेज होने के बाद जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा भी और है, मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स अब आती है बारी बालों की। फ्रेंड्स बालों को एकदम परफेक्ट एकदम किस तरीके से इरेज किया जाए आप देख सकते हैं। यहाँ पे बालों को थोड़ा जूम करके थोड़ा सा एरिया इसमें जो है कैप्चर हो रहा है बैकग्राउंड का, मतलब कवर हो रहा है इसमें बैकग्राउंड का थोड़ा सा एरिया। तो फ्रेंड्स आपको टूल्स में थोड़ा सा इसमें जो है और आपको जो है इसमें स्लाइड करना, और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है डिटेल ब्रश, डिटेल ब्रश में आपको जाना है। अब फ्रेंड्स डिटेल ब्रश को जो है आपको जो सिर्फ यहाँ पे बालों पे चला देना है, जहाँ जहाँ पे कांटे बाल के निकले हुए, मतलब कि एकदम बाल यहाँ पे निकले हुए स्पाइक्स वगैरह, आपको जो उनमें सिर्फ जो है यहाँ पे चला देना। अब आप देखिएगा इफेक्ट इसका। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बाल कितने ही क्लियर तरीके से यहाँ पे जो इरेज हो चुके हैं, बहुत ही परफेक्ट एकदम अपने आप इसने जो सारे यहाँ पे बाल को एकदम जो है एकदम कड़क बना दिया, एकदम जो आपके कांटे से निकले स्पाइक्स वो जो है आपको एकदम बिल्कुल नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं मॉडल की पिक्चर में। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से जो अपने पिक्चर में आप बालों को एकदम बहुत ही परफेक्टली जो यहाँ पे इरेज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। फ्रेंड्स आप बैकग्राउंड भी काफी अच्छे से यहाँ पे इरेज कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे जो ये डाउनलोड कुछ ऐसा कुछ बटन देखने को मिल रहा है जो कि सेव इमेज का, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और फ्रेंड्स आपकी इमेज भी गैलरी में बिल्कुल सेव हो जाएगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज को लाइक जरूर करें, और फ्रेंड्स नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। ओके फ्रेंड्स तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।